अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये जो दो तीन दिन से खबर गर्दिश कर रहे हैं, एक डॉक्टर है जो इंसानों का खून पीती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। कोई इंसान भला इंसान का खून कैसे पी सकता है? आजकल जब से ये सोशल मीडिया आई है तो किसी को भी बदनाम करना कोई बड़ी या मुश्किल बात है ही नहीं। किसी को भी चाहे आप बदनाम कर दें, उनका फ़ोटो लगा दें और कुछ भी फैला दें, उससे उनका करियर तो तबाह हो गया, उनको नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। लड़की से जब इंटरव्यू लिया गया तो लड़की ने भी यही बोला कि मेरे कोलीग जितने भी थे वो मुझसे थोड़ा जेलसी फील करते थे। तो दो तीन दिन से जो चल रही थी सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत, तो हमने इसको इग्नोर किया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो चलते चलते जो है ना, वो ख़बर इतनी तेज़ी से फैल गई कि पूरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर नशर हो गई। उससे घर लड़की बहुत डिप्रेशन में, और उनसे नौकरी भी उनकी ख़त्म हो गई है, नौकरी से निकाल दिया गया है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। झूठी खबर, एक झूठी तस्वीर एडिट करके आपके बारे में लगाई गई है, जैसे आने वाले हर नई वीडियो क्या क्या मैं क्या जो कहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। नहीं कह सकती हूँ, जब ये खबर आई तो इतनी रिडिकुलस थी कि हम लोग ने कहा कि इसकी तरदीद भी क्या करें। हमने कहा कि शायद डाई डाउन हो जाए कुछ ऐसे में, लेकिन ये बात बिल्कुल फैलती गई जंगल, मतलब बिल्कुल वायरल होती गई। कुछ लोगों ने शायद अस्पताल में भी, चंद लोग थे जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ जज हो गया, उनके साथ तावन किया, ये खबर फैलाई है। तो मतलब किसी को मतलब इतना बुरी तरह डिफेम करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।